रेवतड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का कलेक्टर एवं एसपी ने किया अवलोकन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को जागरूकता वैन साइला उपखंड के वीराना व रेवतड़ा ग्राम पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से फूल मालाएं ढोल के साथ जागरूकता वैन का स्वागत किया। जागरूकता वैन द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक किया गया। साथ ही विभागों द्वारा हेल्प डेस्क पर योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बुधवार को साइला उपखंड के रेवतड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर निशांत जैन एवं पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविर में उपखंड अधिकारी तारासन वेंकट, तहसीलदार हीर सिंह चारण, विकास अधिकारी मनमोहन मीणा, प्रधान ढोमी देवी राजपुरोहित, पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, सरपंच गीता देवी मौजूद रहे। शिविर में जिला कलेक्टर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक करने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करना है। उन्होंने शिविर में शामिल योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों से निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं के बारे में आमजन को पर्याप्त जानकारी दी जाए तथा शिविर में आने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति शिविर में आकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के हेल्थ चेकअप, जनधन खाता खुलवाना, ईकेवाईसी, आभा आईडी, केसीसी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। एसपी साहब बता रहे हैं, यहाँ प्रधान जी भी महिला हैं, सरपंच जी महिला और हमारे पुलिस की मुखिया भी महिला है और आप सब जो संख्या दिख रही है वो भी महिलाओं की ज्यादा दिख रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर अभी जो पूर्व प्रधान जी हैं, आपने योजनाओं के बारे में बहुत अच्छी ढंग से बताया और हम लोग जब भी जिस शिविर में जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान जो एसडीएम साहब होते हैं, इसके इंचार्ज होते हैं, साथ में बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब और सभी विभागों के जो बीसीएमओ, सीबीओ, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं। मेडिकल चेकअप भी होता है, बाद में कोई परेशानी सामने आती है तो बाद में उसका अस्पताल में इलाज भी आप जारी रख सकते हैं। टीबी की जांच भी यहां पे की जा रही है क्योंकि अगले साल 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसी को ध्यान में रखते हुए जब हम जालौर को टीबी मुक्त करेंगे तभी राजस्थान टीबी मुक्त होगा, भारत भी टीबी मुक्त होगा। जो योजनाओं की बात है, 17 योजनाओं की सूची वो उधर लिखी हुई दिखाई दे रही है, तो इन योजनाओं को आप सब लोग बच्चे, खासकर बच्चियाँ जो हैं और जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ये और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उन योजनाओं की जो योग्यता है, पात्रता है, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, वो सब सामान्य ही है, उनको और आसान बनाया गया है सरकार के द्वारा। जैसे उदाहरण के तौर पे पीएम किसान की बात आपने अभी करी, तो पीएम किसान में किस्त भी बढ़ गई और लाभ भी मिल रहा है सबको, लेकिन कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जो अपना बैंक खाता है उसको आधार से लिंक नहीं कराया। आपको अपना आधार कार्ड ले जाके 2 मिनट का काम है, आप बैंक में जाके आधार कार्ड को अपने खाते में दर्ज कराइए तो आपका लाभ जारी रहेगा, अन्यथा वो रुक जाएगा।